इमरान खान कर रहे हैं अपने मामू जान को चैलेंज। इतना ही नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो अपने मामू जान यानी आमिर खान से कुछ सीखते नहीं हैं, बल्कि कुछ चीजें उन्हें सिखाते हैं। इमरान से उनकी लेटेस्ट फ्लिक किडनैप और उनके मामू जान पर एक्सक्लूसिव बातचीत की जूम कॉरेस्पॉन्डेंट मेघना जोशी ने। मेरे साथ इस वक्त एक बहुत बड़े किडनैपर खड़े हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी चीज की है। उन्होंने संजय दत्त की बेटी को किडनैप करने की जरूरत की है। इमरान, क्यों किया ऐसा आपने? क्योंकि हमें ये मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। I'll get into trouble with my producers. Okay, लेकिन जानना चाहिए किडनैप किया है आपने उनकी बेटी को, तो कड़ा मुकाबला किया होगा संजय दत्त के साथ? मुकाबला, हाँ मुकाबला तो है। एक्चुअली ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। ये चीज ऐसी हो रही है आपकी कॉन्स्टेंटली कहें या क्या पता नहीं, कि आमिर ने भी पहले रोमांटिक फिल्म से शुरुआत की, दूसरी फिल्म उनकी राख वॉज नेगेटिव, आपकी भी रोमांटिक और अब दूसरी नेगेटिव आ रही है, तो ये क्या हो रहा है मामा भांजा का? थोड़ा सेम ही होती जा रही है चीजें। एक्चुअली कॉम्पिटिशन है। हमारी दोनों फिल्में कामयाब थी। राख अनफॉर्चुनेटली वॉज वेरी गुड फिल्म बट वॉज नॉट सक्सेसफुल। मुझे उन्हें दिखाना है कि मेरी दूसरी फिल्म भी सक्सेसफुल हो सकती है। हाँ क्यों नहीं, और आमिर मामू आपकी फिल्म सक्सेस होती तो कुछ ना कुछ गिफ्ट भी कर देते हैं। इज दैट ट्रू कि BMW आपको गिफ्ट मिली थी मामू से पहली फिल्म के बाद? हाँ दैट इज करेक्ट। यू एज अ प्रोड्यूसर बहुत खुश हुए कि उन्हें इतना पैसा मिला है, और शायद वो थोड़ा बहुत पछता रहे थे कि उन्होंने मुझे कोई साइनिंग फीस नहीं दिए, एज एन एक्टर कोई फीस नहीं दिए, सो आई थिंक ही इज फीलिंग गिल्टी। तो अभी दूसरी फिल्म के लिए तैयार है। अगर आपने उनको कंपटीशन में हरा दिया तो क्या सोच रहे हैं, क्या मिल सकता है आपको? एक्चुअली वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर नहीं है, यू विल हैव टू आस्क द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म अष्टविनायक, वो मुझे क्या देंगे। इसी बीच ये भी खबरें आती थी कि संजय दत्त थोड़े आपसे नाराज हो गए थे, क्योंकि सिंस यू वर बिजी इन जाने तो या कि प्रमोशन में, और उन्होंने डेट दे के रखी थी, सम डेट क्लैशिंग थी आपने, सो व्हाट्स ट्रू अबाउट दिस थिंग? नहीं, इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। एक्चुअली ही लाइक्स मी अ लॉट, ही हैज अ लॉट ऑफ फॉन्डनेस फॉर मी, तो ये रिपोर्ट्स आते रहते हैं, यू कांट टेक इट सीरियसली। अच्छा, हेयर स्टाइल के मामले में कहीं मामू को तो आप कंपटीशन नहीं दे रहे? बिकॉज़ उनकी हेयर स्टाइल तो आप जानते हैं, एक बस झलक दिखने की दूसरे दिन फॉलो हो गए। अरे उनका जो तारे जमीन पर वाला हेयर स्टाइल है ना, उन्होंने मुझसे कॉपी किया है। ओप्स, दैट्स द ट्रुथ। तो एक्चुअली मैं कंपटीशन नहीं दे रहा उनको, उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया मैंने। आई हर्ड यू वर टेलिंग कि प्रियंका चोपड़ा आपके लिए शायद लकी है, because you always have a competition. I don't know अगर लकी है, लेकिन competition तो है, क्योंकि she was in Love Story also and she's in Drona also, so I'm thinking that she has a bone to pick with me. Perhaps Priyanka Chopra has some khunnas against me. Okay, thank you so much, Imran. Thank you very much.